ये लगभग साफ हो चुका है कि रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुई जंग में सबसे बड़ा हाथ अमेरिका का था। अमेरिका ने रूस को बर्बाद करने के लिए यूक्रेन को मोहरा बनाया, लेकिन अब यूक्रेन को सैन्य मदद देने से भी इनकार कर दिया। आपको बता दें कि अमेरिका पहले से ही चाहता था कि रूस यूक्रेन पर हमला कर दे ताकि वो रूस पर प्रतिबंध लगा सके। अब ठीक वही हो रहा है। अमेरिका अपने मकसद के लिए किस हद तक जा सकता है, वो अब हम आपको बताते हैं। रूस और यूक्रेन की जंग के बीच अमेरिका के एक सांसद ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या की वकालत कर दी है। अमेरिकी सांसद के इस विवादित बयान पर अब रूस की कड़ी प्रतिक्रिया भी आ गई है। आपको बता दें कि अमेरिका के सीनेटर लिंडसे ग्रहम ने कहा है कि रूस में से ही किसी को पुतिन की हत्या कर देनी चाहिए, तभी ये युद्ध रुकेगा। लिंडसे ग्रहम ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि पुतिन की हत्या के लिए रूस में से किसी को सामने आना पड़ेगा। अमेरिकी सेनेटर ने इस इंटरव्यू में ब्रूट्स और कर्नल स्टेफन बर्ग का जिक्र किया। ब्रूट्स वही है जिसने रोमन जनरल जूलियस सीजर की हत्या की थी और कर्नल स्टेफन बर्ग ने 20 जुलाई 1944 को एडोल्फ हिटलर की हत्या की कोशिश की थी। सीनेटर लिंडसे ग्रहम के इस बयान के बाद रूस की प्रतिक्रिया आई है। रूसी दूतावास की तरफ से ये कहा गया है कि लिंडसे ग्रहम का ये बयान एक अपराध है। अमेरिका में मौजूद रूसी राजदूत ने कहा कि अमेरिका को इस पर आधिकारिक सफाई देनी चाहिए। आपको बता दें कि यूक्रेन के साथ रूस की जंग शुरू होने के बाद से ही रूस पर प्रतिबंध लगने का दौर शुरू हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने युद्ध में अपनी सेना तो नहीं भेजी, लेकिन रूस पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगा दिए। वैसे चालाकी दिखाते हुए अब अमेरिका ने रूस को एक ऑफर भी दिया है। अमेरिका ने कहा है कि अगर रूसी सेना यूक्रेन में जारी युद्ध को समाप्त कर देती है तो उन पर लगे प्रतिबंधों को हटाया जा सकता है। प्रेजेंटिंग द न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।